हरदोई के रसखान पेशाग्रह में गावी द वैक्सीन अलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर के संयुक्त तत्वाधान में इलाहाबाद के साथ ही जिले में भी सफल शुरुआत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों का पूर्व टीकाकरण करना और सभी बच्चों में साबुन से हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास अधिकारी आनंद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया और उन्होंने कहा कि इन दोनों उपायों में खासकर 5 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों में बीमारियां और मौत के मामलों में बहुत कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि मिशन इंद्रधनुष और स्वच्छ भारत इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। पहला इलाहाबाद का तथा दूसरा हरदोई जिले का है, जहां वर्ष 2018 के अंत तक 40,000 परिवारों से संपर्क किया जाएगा। बच्चों के अच्छे से हाथ धोने, अच्छे से उनका पालन करें, पिता भी अपना फर्ज निभाए, सफाई का ध्यान रखें। बच्चा आता है खाना मांगता है तो उसे ये कहें, बेटा पहले साबुन से हाथ धो लो, उसके बाद में कुछ करो, खाओ पियो। पिता का भी ध्यान पूरा दिलवाएंगे, पिता को भी समझाएंगे, माँ को भी समझाएंगे। यदि हमारे टेंथ पे बच्चा आता है उसको भी समझाएंगे कि बेटा पहले हाथ उठ के आओ, उसके बाद में हम उसको नाश्ता देंगे, पोषाहार देंगे, जो हमारे पास होगा वो देंगे। आज गावी संस्था और यूनिलीवर संस्था द्वारा रसखान प्रेक्षागृह में बच्चों के टीकाकरण और हाथ धुलने साफ सफाई के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें रेडियो पंचायत, शिक्षा विभाग के सारे खंड शिक्षा अधिकारी, आशा एन एम आंगनबाड़ी ने भाग किया और इन संस्थाओं के द्वारा और ये हमारे द्वारा इसमें कहा गया कि इन संस्थाओं के सहयोग से हमारे सरकारी विभाग जैसे ICDS है, स्वास्थ्य विभाग है, ये लोग भी जो है और ये शिक्षा विभाग स्कूलों में इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चों का बच्चों का प्रचार प्रसार इस बात लग जाए तो बच्चे जाकर अपने घर में भी इस बात को बताते हैं, निश्चित रूप से एक हैबिट की सब लोगों में बन जाएगी और जब हैबिट हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो स्वच्छता अपनाएंगे लोग तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और निश्चित रूप से विकास की ओर ही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर।